वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हैं हम काज़ा में, तो अच्छे से कवर हो गया काज़ा के आसपास की जगह है। तो अभी प्लान था निकलने का नीचे नीचे, मतलब मैं तो सोच रहा था कि आज रेकोंगपियो कवर कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा वेदर ख़राब हो गया है और हल्की सी स्नोफॉल भी हो रही है। धूप है लेकिन स्नोफॉल तब भी हो रही है क्योंकि ऐसी जगह पर बारिश नहीं होती है, डायरेक्ट स्नोफॉल ही होती है। तो अभी हमने यहाँ पर लंच कर रहे थे कोल्ड डेजर्ट कैफ़े, इसमें बस यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मौसम ख़राब होने का वेट करेंगे नहीं हम, तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि मतलब आराम से हम रेकोंगपियो पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी दिखते हैं कि क्या रहता है आगे का मौसम, क्योंकि श्योर नहीं हूँ मैं। तो यहाँ से निकलते हैं फिर ना। तो मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है भैया, हम अपना लंच करके अच्छे से निकल चुके हैं फिर यहाँ से। तो बहुत अच्छा रहा यार इस बार का भी सफ़र काज़ा का, और स्पीति का यार जो मज़ा है वो हर बार अलग ही रहता है, और मैं फिर आना चाहूँगा। मतलब यहाँ का आने के लिए तो हर समय रेडी वाला सीन है। बस फिर करते हैं इस जगह को बाय बाय और यहाँ से निकलते हैं रफ्तार में। हल्की स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, तो खैर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए, बट जो साथ में कार्तिक और श्रीकांत भाई हैं वो लोग एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से जल्दी निकलें, क्योंकि काज़ा में सीन क्या रहता है कि अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुआ तो रास्ते बंद कर देते हैं, और वो मतलब सेफ रहने के लिए भी सही है, तो हम वो चीज़ अवॉइड कर रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम निकल गए हैं जल्दी। तो बस यहाँ से देखते हैं कितना आज कवर हो पाता है। लीजिए फिर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सही रहा और यहाँ स्नोफॉल नहीं हो रही है। तो जो स्नोफॉल थी वो मेन वहाँ पीछे काज़ा के साइड ही स्टार्ट हुई थी, तो बढ़िया है यार, ये अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि हम फिर अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। Here we are back again। ताबो आ गए हैं वापस, ये अपनी बाइक खड़ी है। तो यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि भाई साहब पूरा दिन भर ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो अभी जो अपडेट मिली नहीं लेटेस्ट, तो एक भैया मिले थे रास्ते में, तो वो बताए हैं कि भैया काज़ा तो हो गया है बंद, क्योंकि काज़ा में हो गया है स्नोफॉल। तो वो खुल जाता है वैसे, लेकिन ये है कि जिस टाइम पर काज़ा में स्नोफॉल होता है तो बंद कर देते हैं वो। तो ठीक है, उस हिसाब से तो हम सही निकल गए हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे, देखते कितना कवर हो पाता है आज। लीजिए शाम होने को आई है और हम पहुँच चुके हैं सुमदो। तो हमने पीछे कहीं ब्रेक नहीं लिया, बैक टू बैक चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे है इनकी दोबारा चेक पोस्ट, यहाँ पे फिर से एंट्री करवानी पड़ेगी हमें और फिर हम निकलेंगे आगे। तो ये जो गाड़ी एक्चुअली ये चेक पोस्ट छोड़ के आई थी, मतलब इन्होंने चेक पोस्ट पे एंट्री नहीं करी थी, तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने इनको रोका है और बोला है कि आप वापस जाओ और चेक पोस्ट पे दोबारा एंट्री करके आओ, क्योंकि आपको बुला रहे हैं वापस वो। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो जाने देते कि नहीं जाने देते, माय गुडनेस। तो इनको अब वापस जाना है, तो इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे कि बोल दिया इनको वापस जाने को। लगा लो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स होगा यहाँ से, तो 20 या 15 इसके अराउंड है। अब इनको वापस जाके वहाँ पे एंट्री करके आना पड़ेगा वापस, तो ये सीन है। तो कभी भी सिक्योरिटी जो चेक है जहाँ पे एंट्री करते हैं वो स्किप ना करें, ये लोग भी अपडेटेड रहते हैं। नाइस, आई लाइक इट। लीजिए फिर टोटल अंधेरा हो चुका है और 6:30 बज रहे हैं अभी। तो ठीक है यार, हमने सोचा है कि हम यहाँ से करेंगे नाको तक का, तो नाको अभी भी रहता है यहाँ से 20 किलोमीटर के अराउंड। और जो ये ऑफ रोड है भाई, ऑफ रोड का पैच है ना, रात को अलग सा ही फील होता है। तो जल्दी से फिर पहुँचते हैं नाको।
फाइनली हियर वी आर इन नाको। भाई साहब 7:30 बज गए आते आते, और यहाँ पे अभी तो लाइट नहीं थी, अभी आधा घंटा अराउंड हो चुका है क्योंकि हमने डिनर विनर कर लिया। तो लकीली यहाँ पे रूम भी मिल गया और लाइट भी आ गई, वरना तो इश्यू हो जाता। तो ये कुछ है अपना रूम, काफ़ी स्पेशियस है और बढ़िया मिल गया प्राइस में। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी नाको में है और नाको से मेरा एक्सपीरियंस पहले रहा नहीं है और वो थोड़ा सा यादें ताज़ा हो रही थी, वो वाली बात है। बस आज के लिए यही, फिर कल यहाँ से आगे निकलेंगे। तक के लिए बाय बाय। स्नो पड़ी भी जो रात वाली थी,